Good morning, everyone. I hope you all are good and safe at your home. Dear students, as you know, it's our math class, so let's continue. Dear students, we have started our lesson multiplication. Multiplication lesson start किया हमने. आपको पता है multiplication क्या होता है. हमने multiply का क्या किया है, repeated addition की form में multiply को किया है, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई किया है. फिर हमने मल्टीप्लाई को नंबर्स लाइन में स्टडी किया है. यस, यू ऑल नो व्हाट इज मल्टीप्लाई, हाउ वी डू मल्टीप्लाई. यस, सो टुडे अगेन वी विल डिस्कस मल्टीप्लाई. ओके, सो टेल मी व्हाट इज मल्टीप्लाई. यस, मल्टीप्लाई इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन. क्या होती है मल्टीप्लाई? प्रोसेस है कौन सी? रिपीटेड एडिशन, जिसमें बार बार रिपीट एडिशन जो है वो रिपीट होती है. ओके, सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस मल्टीप्लाई ऑफ टू एंड थ्री डिजिट नंबर्स बाय वन डिजिट. आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टू डिजिट और थ्री डिजिट मल्टीप्लाई की वन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, अंडरस्टूड? यस. सो कम ऑन पेज नंबर 63. एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 63 में. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इसमें टू डिजिट है. ओके, टू डिजिट नंबर्स की वन डिजिट के साथ है. फिर हम 65 पेज में करेंगे थ्री डिजिट की वन डिजिट के साथ. अंडरस्टूड? यस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पेज नंबर 63, दैट इज टू डिजिट विथ वन डिजिट. ओके, सो यहाँ पे टू डिजिट कौन से हैं? 1, 2, 12 मल्टीप्लाई 3, दिस इज वन डिजिट. टू डिजिट की वन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कैसे करनी है? ओके, सो टू डिजिट नंबर, दिस इज वन्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस. ओके, वन्स प्लेस पे यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, टेंस प्लेस पे वन है. यहाँ पे थ्री हमारा ओनली सिंगल डिजिट है, दिस इज एट वन्स प्लेस. सो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमें टेबल्स अच्छे से आने चाहिए. ओके, सो टेबल्स आपने कंटिन्यूअसली स्टडी करने हैं. ओके, अंडरस्टूड? हमने 10 तक टेबल्स अच्छे से रीड किए हैं, उनको अंडरस्टैंड किया है. सो सभी टेबल्स आपके यहाँ पे यूज होने हैं. ओके, सो टेबल्स को आपने लर्न करना छोड़ना नहीं है. अंडरस्टूड? तभी हमें मल्टीप्लाई भी आएगी, तभी हमें डिविजन भी आएगी. ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम वंस को वंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज वंस प्लेस, दिस इज आल्सो इज एट वंस प्लेस. सो थ्री का टेबल हमने कहां तक बोलना है? टू तक. ओके, सो थ्री वंस आर थ्री, थ्री टूज आर सिक्स, थ्री टूज आर सिक्स. यहाँ पे स्टॉप हो जाना है और जो सिक्स आएगा उसको वंस के बिल्कुल नीचे राइट करना है. ओके, और ये जो मल्टीप्लाई है हमारी विदाउट कैरी है, इसमें कोई भी कैरी का यूज नहीं होना है. नेक्स्ट जब हम करेंगे उसमें कैरी भी यूज होगी. ओके, सो थ्री टू आर सिक्स. अंडरस्टूड? अब यहाँ पे हमारी वंस की वंस के साथ मल्टीप्लाई होगी. अब यहाँ वंस की टेंस के साथ करेंगे, दिस इज एट टेंस प्लेस. ओके, सो थ्री वंस आर, इसका क्या मतलब हुआ? थ्री वंस आर थ्री. ओके, थ्री का टेबल हमने कहां तक बोलना है? वन तक. मीन्स थ्री वंस आर थ्री. सो वी विल राइट थ्री जस्ट डाउन टू टेंस, क्योंकि हमने टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो टेंस के बिल्कुल नीचे इसको हम राइट करेंगे. ओके, सो थ्री टू आर सिक्स, थ्री वंस आर थ्री, दिस इज 36. अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 21 मल्टीप्लाई 4. दिस इज अगेन टू डिजिट नंबर वाइफ वन डिजिट. ओके, सो फोर वंस आर, आपको यहाँ पे एरोस लगाने की जरूरत नहीं है. मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये एरोस लगाए हैं. ओके, सो पहले वंस के साथ वंस, फोर वंस आर फोर. सो वी विल राइट फोर जस्ट डाउन टू वंस, वंस के बिल्कुल नीचे हम क्या राइट करेंगे? फोर. फोर टू आर, फोर वन आर फोर, फोर टू आर एट. सो 84. ओके, बिल्कुल टेंस के नीचे. अंडरस्टूड? यस.
नेक्स्ट इज 32 मल्टीप्लाई 3. 32 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 3 के साथ. दिस इज अगेन 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट. ओके, सो 3 2s आर 6 एंड 3 3s आर 9. सबसे पहले 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2s आर 6 एंड 3 3s आर 9. 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9. सो इट इज 96. ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी 2 डिजिट की 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई. ओके, आपकी बुक पेज नंबर 63 में थे. इसके आपने मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, आपने 3 और करने हैं इसके. ओके, 1 2 3, दैट इज 45 मल्टीप्लाई 1, 23 मल्टीप्लाई 3 एंड 16 मल्टीप्लाई 1. ओके, अगर आप इसको बुक में पूरा भी फिल कर सकते हो पेज को, तो आप पूरा भी फिल करना है. और नोटबुक में आपने 3 मैंने यहाँ पे करवाए, 3 और करने आपने, 6 क्वेश्चन करने हैं. ओके, और बुक का आपने होमवर्क मुझे सबमिट नहीं करना है, आपने सिर्फ नोटबुक में जो किए होंगे वही सबमिट करना है. ओके, नाउ 3 डिजिट की 1 डिजिट के साथ जो कि आपके क्वेश्चन है पेज नंबर 65 में. ओके, 3 डिजिट में आपका एक और डिजिट ऐड हो जाएगा और सेम ही प्रोसेस होगी जो आपकी 2 डिजिट में थी. ओके, कोई भी चेंजेस नहीं है बेटा, और ना ही आपको इसका ज्यादा बर्डन होगा. ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. वॉन्स, टेंस, 100. ओके, अब यहाँ पे 100 ऐड हो गया है, मीन्स 3 डिजिट आपके ऐड हो गए हैं और नीचे आपका 1 डिजिट ही रहेगा और विदाउट कैरी होगी, कोई भी इसमें कैरी का यूज नहीं होना है. 111 मल्टीप्लाई 4, सेम प्रोसेस, वंस को वंस के साथ, 4 वंस आर 4, इसके बिल्कुल नीचे, देन वंस को टेंस के साथ मल्टीप्लाई, 4 वंस आर 4, टेंस के बिल्कुल नीचे, देन 4 वंस आर 4, फिर 100 की, सॉरी इस 100 के वंस के साथ, सो दिस इज 444. अंडरस्टूड? यस, दिस इज 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट. 3 डिजिट की 1 डिजिट के साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है. ओके, इजी है ना, सेम प्रोसेस जैसे 2 डिजिट की वैसे 3 डिजिट की भी करेंगे. ओके, देन 133 मल्टीप्लाई 2. 133 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ, मीन्स हमें 2 का टेबल अच्छे से आना चाहिए. ओके, सो वंस की वंस के साथ मल्टीप्लाई, 2 का टेबल 3 तक बोलना है. 2 वंस आर 2, 2 टू आर 4, 2 थ्री आर 6. ओके, सो वी विल राइट 6 हियर, then 2 3s are 6, again 6, then 2 1s are 2, this is 266. okay, again 431 multiply 2, ones ki ones ke sath, 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 2 4s are 8, 862. Understood? Yes. So dear student, this is the multiply 2 digit and 3 digit by 1 digit. Okay, without carry. Okay, so हमने 65 पेज में से हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स आप होमवर्क करेंगे. ओके, 123 मल्टीप्लाई 3, 313 मल्टीप्लाई 3 एंड 242 मल्टीप्लाई 2. ये जो क्वेश्चन है, मीन 6 क्वेश्चन ये हो गए और 6 आपका होमवर्क हो गया, टोटल 12 क्वेश्चन हो गए. वो आपने मुझे अपनी नोटबुक में करके सबमिट करवाना है, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए बुक में ही फिल कर सकते हो. ओके, बुक वाला होमवर्क मुझे सबमिट नहीं करना है. अंडरस्टूड? यस. सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव ए गुड डे. थैंक यू.